चेस, कैरम और इस तरह के जो गेम्स होते हैं, तो इन गेम्स का खेलना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़? तो देखिए, इस सिलसिले में ये अर्ज़ ये है कि गेम्स दो तरह के होते हैं, एक आउटडोर गेम्स है, एक इंडोर गेम्स है। आउटडोर गेम्स से मुतालिक इससे पहले हमारे यहाँ सवाल आया था और उसका तफसीली जवाब दिया जा चुका है कि आउटडोर गेम्स आमतौर से फिजिकल एक्टिविटी पर मबनी होते हैं, तो लिहाजा उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे आउटडोर गेम्स का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से पता चलता है, लेकिन ये जो सवाल है ये इंडोर गेम से मुतालिक है। जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं, चाहे वो चेस हो, कैरम हो, लूडो हो, या सांप सीढ़ी हो, या जो भी कुछ खेला जाता है इंडोर में, इन सब से मुतालिक मजमूई एक हुक्म बता देता हूँ कि आमतौर से इस वक्त हमारे यहाँ पर जितने इंडोर गेम्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। आमतौर से वो है कि जिनका दिमागी मेहनत से उसका ताल्लुक होता है, तो अगर दिमागी मेहनत से उसका ताल्लुक है तो शरीयत उसकी इजाज़त देती है। असल में अहादीस में हमें इंडोर गेम से मुतालिक ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है, सिर्फ एक नर्द शेर और एक शतरंज का जिक्र मिलता है बाज़ अहादीस से मुतालिक। तो उस ज़माने में शतरंज जो खेला जाता था वो आमतौर से जुआ और सट्टेबाजी के तौर पर होता था। तो अगर जुआ और सट्टेबाजी है, चाहे वो शतरंज में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट में हो, अगर कहीं पर जुआ और सट्टेबाजी आ जाती है तो कुरान ने उसको हराम करार दिया है, तो लिहाजा वो तो हराम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स चेस खेलता है या इंडोर गेम्स खेलता है बगैर जुए और सट्टेबाजी के, सिर्फ जहनी तशहीस के लिए, मेंटल यानी दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अगर कोई खेलता है, तो उसके इसके बारे में क्या हुक्म है? तो उस सिलसिले में अहनाफ और शवाफे दोनों के नज़दीक राजे कौल ये है कि इस तरीके से शतरंज या कोई भी इंडोर गेम खेला जा सकता है। इमाम अबू यूसुफ और इसी तरह दीगर हजरात की राय ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, खेल सकते हैं। और सहाबा में से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके अलावा ताबईन में सईद इब्न मुसय्यिब, सईद इब्न जुबैर, मोहम्मद इब्न मुनकदर, मोहम्मद इब्न सीरीन, उरवा बिन जुबैर वगैरह एक लंबी तादाद है कि जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है। तो इसी चेस पर कयास करते हुए जितने भी इंडोर गेम्स हैं अगर वो जहनी सतह को बुलंद करने के लिए है तो उसकी इजाज़त है। अलबत्ता इसके साथ भी यही कैद होगी कि उसके साथ आदमी अपने वक्त को ज़ाया ना करने वाला, उसकी वजह से आदमी अपने फ़राइज़ को छोड़ने वाला ना बने, ना नमाज के फ़राइज़, दीनी फ़राइज़ और न ही घरेलू फराइज को छोड़ने वाला बने, ये तमाम चीज़ें तो रहेंगी। वरना आप कोई भी जायज़ काम करें उसके साथ अगर नाजायज़ को मिला दिया जाएगा तो वो फिर हराम और नाजायज़ हो जाएगा। तो इस वजह से, तो इस नीयत के साथ अगर इंडोर गेम्स खेले जाते हैं तो उसकी इजाज़त है कि जिसमें फराइज दीनिया और फराइज दुनियविया पर कोई फ़र्क ना आता हो और सिर्फ जहनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अगर खेला जाता है तो उसकी इजाज़त है। और इसी को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि अगर ये खेल ऑनलाइन भी खेले जा रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर ये खेल खेले जाते हैं तो आम तौर से उसके अंदर जुआ और सट्टेबाजी शामिल होती है। तो जैसे ड्रीम इलेवन और इस तरह के जो जंगली रमी वगैरह इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन चलते हैं तो वो तो हराम के कैटेगरी में आते हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ से भी उसके ऊपर पाबंदियां होती है। इसी वजह से जब भी उन खेलों के ऐड चलते हैं तो उसके साथ डिस्क्लेमर भी सामने आता है कि ये अपने रिस्क पर इसको खेला जाए, तो लिहाजा वो तो हराम की कैटेगरी में आएगा, इसलिए कि उसके साथ जुआ और सट्टा शामिल होता है। लेकिन इंडोर गेम जिसमें जुआ और सट्टा ना हो, सिर्फ जहनी सलाहियत के लिए अगर है तो उसकी इजाज़त है।